अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं कि जी आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम आपको बताएंगे जी कि घर बैठे आप मोटरवे का जो एम टैग आपने लगवाया होता है अपनी गाड़ी को, उसका टोल कैसे घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं। और बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी ऐप बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि पहले बहुत बहुत ही लंबे क्यू में लग के आपको बैलेंस करवाना पड़ता था। अब आप घर बैठे इजीली इस ऐप के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो ऐप का नाम है जी एम टैग वन। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से उसका साइन अप करना है, उसको अकाउंट बनाना है और किस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आगे मोबाइल की स्क्रीन, इधर हम ओपन कर लेते हैं ऐप स्टोर को। इधर हम लिख लेंगे ऐप का नाम, वन से भी सर्च कर सकते हैं या वन एम टैग से। वैसे आप वन एम टैग लिखेंगे तो फिर वो टॉप पे शो होगी, वन एम टैग लिख के सर्च कर लेंगे और ये हमारे पास सबसे टॉप पे आ गई है। हमने इंस्टॉल कर ली, या आप इधर से इंस्टॉल कर लें जो सबसे टॉप पे एम टैग वन नेटवर्क के नाम से आ रही है ऐप। ये इस तरह का जो सबसे एंड पे आप देख रहे हैं, इस तरह का इसका लोगो होगा। तो इसका आइकन ये है, इसको हम ओपन करते हैं। फिर अब हम साइन अप करेंगे इसको। ये इस तरह से साइन अप पे प्रेस करके ये डिटेल ऐड करके आईडी कार्ड नंबर, अपना फुल नेम जो आईडी कार्ड पे, और फ़ोन नंबर, ये जब आप लोग ऐड कर लेंगे इसके बाद हम साइन अप कर लेंगे इसको। उसके बाद वो फ़ोन पे कोड आएगा, वो ऐड करके ये आ जाएगा। अब हम इसको साइन इन करते हैं। इधर हम लिखेंगे CNIC नंबर जो हमने उधर जो लिख के अकाउंट बनाया था, ये हमने CNIC नंबर लिख लिया। नीचे हमने जो उधर फ़ोन नंबर ऐड किया था वो लिखेंगे और साथ ही हम साइन इन कर देंगे। साइन इन करेंगे तो जी हमारे नंबर पे कोड आएगा, वो हम ऐड करेंगे तो जी ये लॉगिन हो जाएगा। अब माय एम टैग आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे हम। ये हमारा बैलेंस शो हो रहा है, इसी पे हम क्लिक करेंगे अगर, तो उसके बाद ये आ जाएगा। ये आपको शो हो रहा है किधर किधर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी। आप रिचार्ज आ रहे, रिचार्ज पे प्रेस किया, उसके बाद ये हमारे पास ये आ रहा है। इधर हमने रिचार्ज पे जितना बैलेंस करना वो लिखेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जी वो हमसे पूछ रहा है कि जी ये अपनी कार्ड डिटेल ऐड करें। इधर कार्ड डिटेल ऐड करके हम अपना बैलेंस कर सकते हैं। ये फिर हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं इधर से वापस आके। इसके अलावा ये रिचार्ज इधर से भी कर सकते हैं, ये जो नीचे बटन बना हुआ था। उसके अलावा ये अगर टोल कैलकुलेटर है, हमने किसी एक टोल से दूसरे तक का वो चेक करना है घर से, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम लाहौर सियालकोट मोटरवे का चेक करते हैं तो ये फ्रॉम हम, अच्छा फ्रॉम में हम सेलेक्ट कर लेते हैं संबड़ियाल, नहीं डिस्का नहीं, संबड़ियाल ही करते हैं। ठीक है जी, संबड़ियाल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर से जी हम कर लेते हैं काला शका को। अब हम कैलकुलेट टोल रेट करते हैं तो ये भी हमें शो हो जाएगा कि कितने, ये देखें ऊपर सबसे टॉप पे आ रहा है 170 PKR, तो इतने पैसे जी लगेंगे। उसके बाद हम पीछे आ जाते हैं, ये एम टैग हेल्पलाइन है, इस पर क्लिक करें, ये आपको देख लें। ये फिर फीडबैक के ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया। ये अब देखेंगे कि ये आ रहा है जी, इधर आप अपना फीडबैक लिख दें कि जो भी आप, अगर आपको ऐप पसंद आई है उसके बारे में, या नहीं पसंद आई है जो भी है इसके बारे में आप लिख के कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें।